वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। एक और अटेम्प्ट किया गया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का डेथ हो सकता था। हम लोग अगर लास्ट 2 मंथ में देखें तो ये दूसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चला था जिसमें वो बच गए। ऑन द अदर साइड इस बार हम लोग देखे कि एक बंदा AK-47 लेके बैठा था। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जाने वाला था और जब डोनाल्ड ट्रंप उनके रेंज में आ जाता तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर AK-47 यूज़ करके उस पर गोली मार दिया जाता। अगर हम लोग देखें दुनिया में कोई भी कंट्री में जब इलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडियन इलेक्शन को ही लेते, US के जो लीडर्स है वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्पणी करते हैं कि भाई इंडिया का जो इलेक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। इतना टिप्पणी के बाद भी इंडिया में हम लोग जब भी इलेक्शन देखते थे तब भी इंडिया में कोई भी इलेक्शन में कोई भी जो इलेक्शन के कैंडिडेट होते हैं उन लोग के ऊपर गोली नहीं चलता है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर हम लोग US को देखें, US के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर 2 महीने में 2 बार गोली चलने वाला था। एक बार तो चली गया, दूसरा बार चलने वाला था। उसका जो सिक्योरिटी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बचा लिया। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो ट्रेंड है ये US में आज नहीं बहुत पहले से ही था। डिफरेंट टाइम में US के डिफरेंट जो प्रेसिडेंट थे साथ ही साथ जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उन लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइम में गोली चला है। फॉर एग्जांपल एंड्रयू जैक्सन 1835, अब्राहम लिंकन 1865, जेम्स गारफील्ड 1881, विलियम मैककिनले 1901, रूजवेल्ट 1912, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1933, ड्वाइट डी आइजेनहावर 1954, जॉन एफ केनेडी 1963 और रोनाल्ड लीगन 1981। तो डिफरेंट टाइम में US के जो प्रेसिडेंट थे उन लोगों के ऊपर डिफरेंट जो गनमैन है वो लोग अपने तरफ से अटैक किया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ये सारा अटैक को एनालिसिस करें तो कुछ कॉमन पॉइंट हम लोग को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अटैक करता है ये एक कोई हायर पर्सन होते हैं। डिफरेंट टाइम में ये लोग को हायर किया जाता है डिफरेंट पार्टीज के तरफ से या फिर डिफरेंट पॉलिटिशियन के तरफ से या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल के तरफ से। और इन लोगों का काम होता है कि भाई इन लोगों को गोली मारो और आपको कुछ नहीं करना है। ऑन द अदर साइड एक और कॉमन फैक्टर इन लोगों में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो अटैक करते हैं उन लोगों का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक होता है या फिर उन लोगों का कोई मेंटली डिसबैलेंस होता है। अभी एक और कॉमन फैक्टर है जिसमें देखा जाता है कि बहुत कोई चाहता है कि उन लोगों का जो एग्जैक्ट कॉज है उसके ऊपर अटेंशन ग्रो करने के लिए वो लोग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो प्रेसिडेंट है उन लोग के ऊपर अटैक किया है, जिससे आगे जाकर जब उन लोगों को बोलने का चांस मिलेगा तब उन लोग का एग्जैक्ट जो कॉज है उसको वो लोग रेस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट में हम लोग को पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये अटैक जो है ये क्यों किया गया था। और इसी पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो लोग ये अटैक करते हैं वो लोग डीपली मोटिवेटेड होते हैं। उन लोगों को लगता है कि US में जो भी प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है वो प्रॉब्लम को अगर रिजॉल्व करना है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग ही वही पर्सन है जिन लोगों को अपने तरफ से स्टेप लेना पड़ेगा। और ये स्टेप क्या, ये स्टेप है किसी का खून करना। आगे जाके वो लोग अगर किसी का खून करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है या फिर जो पर्सन प्रेसिडेंट है उन लोगों का अगर वो लोग मर्डर करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग US का एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा और भी रीजन्स है इन सब अटेम्प्ट के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लास्ट जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जो डिबेट हुआ था उनमें देखें तो डोनाल्ड ट्रंप उसी डिबेट में एक चीज़ बोला था कि प्रेजेंटली ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लोग मुझे एग्जैक्टली ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरा US के सामने जिसमें सबको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेंजर है फॉर डेमोक्रेसी। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे जाके प्रेसिडेंट बन जाता है तो US में जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाहेगा वही करेगा जिससे आगे जाके जो US के सिटीजन्स हैं उन लोगों में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा या फिर उन लोगों के लाइफ में और भी प्रॉब्लम ग्रो करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है नो डाउट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिला है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी को। ऑन द अदर साइड यही स्टेटमेंट के वजह से जो समकी लोग होते हैं US में उनमें से बहुत कोई अपने आप को इतना मोटिवेट कर लिया कि भाई जैसे तैसे हो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप को मार देना है कि आगे जाके वो प्रेसिडेंट बन नहीं पाए, इससे हम लोग जो है US का एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करेंगे।
तो ऐसा जो सोच है, यही सोच के वजह से डिफरेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक किया गया है। और हो सकता है कि ये सोच आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से कोई अटैक रेस करे। अगर लॉजिकली समझा जाए तो ये जो सोच है ये काफ़ी गलत है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेंजर है डेमोक्रेसी के लिए। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप डिफरेंट वे में थिंक करता है, जिस वे में अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है वो नहीं कर रहा है। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि गवर्नमेंट में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारा ऐसा स्टेप ले जिससे यूएस का जो डेमोक्रेसी है वो और भी स्ट्रांग हो, यूएस और भी स्ट्रांग हो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में देखें, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी यूएस के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ऐसा डिसीजन लिया था जो आज के डेट में भी यूएस के लिए प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले जो ये ईवी पॉलिसी है जिसमें चाइना का जो कार इम्पोर्ट कर रहे उसमें जो टैक्सेशन है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था, जो ट्रेड वॉर एग्जैक्टली कहलाता है, तो वो ट्रेड वॉर आज के डेट में जो बिडेन का गवर्नमेंट है वो भी कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि इससे जाके जो है यूएस का ही फायदा है। मगर ये जो रिप्रेजेंट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को डेंजर फॉर डेमोक्रेसी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट के वजह से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल जो है यूएस में चला गया है। और एज यूएस में ये जो हथियार मतलब कोई भी गन मिलना बहुत ईजी है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, तो इसके वजह से जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पीपल के पास ये गन अवेलेबल हो जाता है, वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइम में ये असासिनेशन जो अटेम्प्ट है ये ट्राई करता है। तो नो डाउट ये एक बहुत ही नेगेटिव मोटिवेशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर यूएस जैसा कंट्री में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ रहे उसके ऊपर ऐसे बार बार असासिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है, तो हम लोग जो है कि दुनिया में कहीं भी जाए तो हम लोग कितना सेफ है? आज के डेट में यूएस का सिटीजन कितना सेफ है? अगर कंट्री के जो प्रेसिडेंट हो सकते हैं वो ही सेफ नहीं है तो कंट्री का क्या हालत है? तो नो डाउट इंडिया के जो लीडर है वो यूएस के लीडर के तरह नहीं है, बट इंडिया भी अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्पणी करता है इसमें और बोलता है कि भाई यूएस में क्या हो रहा है, और इसको लेके एक मतलब जो तहलका होता है वो मचाता है जैसे यूएस अपने तरफ से हर बार करता है। मगर इंडिया जो है ये ऐसा नहीं है, इंडिया के लीडर्स भी ऐसा नहीं है, ये लोग कुछ अलग ही लेवल पे अपना जो पॉलिटिक्स है वो हैंडल करता है। तो हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ऐसा अटैम्प फिर से किया जाए और इसके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप को और भी अपना जो सिक्योरिटी है उसको एनहेंस करना चाहिए और यूएस गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनुपॉल ATANUPAUL में जाके आप डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिफरेंट वीडियोज़ देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है जो आपका टेस्ट है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर हैं हम लोगों का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियोज़ आते हैं, जब भी आएगा इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।